हेलो मेरे प्यारे दोस्तों रोज की तरह मेरी सुबह की रूटीन शुरू हो गई है कल चंद्र ग्रहण था इसलिए हम सभी ने सुबह सुबह स्नान किया फिर चाय बनाई और नाश्ते की तैयारी की खाने की तैयारी की कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी उन्होंने मुझे कहा कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे हाथ के लिए और अभी वज़न चीज़ें नहीं उठानी है एक्सीडेंट के बाद से मैंने हर काम के लिए काम वाली लगा ली है लेकिन काम वाली के बाद भी हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खुद करने पड़ते हैं और आज मैंने बहुत दिनों बाद खाना बनाया है और बहुत लोगों का कहना था कि मैं बहुत रेड़ डालती हूँ तो मुझे नज़र लग गई थी इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानती क्या आप मानते हैं क्योंकि नज़र तो बुरी होती है तो अच्छी भी होती है लेकिन हम ये कहावत कभी नहीं कहते कि किसी की अच्छी नज़र लग गई है तो बुरी कैसे लग सकती है हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ हो सकता है वो उस समय का समय ख़राब था क्योंकि जीवन एक जैसा बिल्कुल नहीं होता कभी अच्छा तो कभी बुरा ये लाइफ में होते ही रहता है इन दोनों चीज़ों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तभी हमें जीवन जीने में बहुत आसानी होती है और मेरे साथ ईश्वर हैं तो मुझे कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं होती मैं हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेती हूँ हर दिन हमें एक नया जीवन मिलता है यही मानती हूँ अब दिवाली आने वाली है तो मैं बहुत ज़्यादा घर की साफ़ सफाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं भारी चीज़ें नहीं कर सकती और मैं हर साल कुछ ना कुछ डी ज़रूर बनाती हूँ तो इस बार भी बहुत सिंपल सा बिल्कुल कम मेहनत वाला डी मैंने बनाया है अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स कीजिए मुझे अच्छा लगेगा अपने स्ट्रेंथ बढ़ाना अपने हाथ में होता है मैंने भी अपने स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अपने रोजमर्रा लाइफ में आ गई हूँ आगे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाय बाय